जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, अगर आप भी सरकारी कर्मचारी नहीं है और पेंशन इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो पहले आपको पता होगा 18 साल से अधिक उम्र वाला व्यक्ति ही इसका फायदा उठा सकता था, लेकिन बजट 2024-25 के अंदर हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने NPS वात्सल्य के नाम से एक नई स्कीम जारी की है। दोस्तों, अगर कोई भी बच्चा 18 साल से कम है उसके लिए भी आप पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। तो क्या ये बेस्ट स्कीम है चिल्ड्रंस के लिए दोस्तों, वो तो इस वीडियो के लास्ट में ही आपको डिसीजन लेना है कि अच्छी है नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर हमने चैनल ऑलरेडी बना दिए हैं, जहां पर हम डिटेल में वीडियो आपके लिए कुछ अपडेट्स डालते रहते हैं, उनको भी आप फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले हम बताएंगे दोस्तों, NPS जो कि वात्सल्य है, ये नया इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है माइनर के लिए। माइनर कौन होता है? जो 18 साल से कम है। इस बजट के अंदर चाहे आप गर्ल हैं या बॉय हैं, चाहे आपका बेटा है या बेटी है, इन दोनों के लिए ही आप इस NPS वात्सल्य स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा, ये पेंशन अकाउंट है आपके बच्चे के लिए, क्योंकि पेंशन की टेंशन होती है। हम लोग सरकारी नौकरी में भागते हैं, क्यों भागते हैं? क्योंकि सरकारी नौकरी में तो अच्छी सैलरी मिलती है, और अब जब हमारा जो कार्यकाल पूरा हो जाता है उसके बाद में भी हमें अच्छी पेंशन वहां पे मिलती है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब आप एक पैसा एक जगह पर इकट्ठा लगाते रहेंगे तो आपको पता होगा कि मुझे इस बार इस महीने भी पैसा लगाना है, पैसा वहां पे इन्वेस्ट करना है। यू कैन ओपन NPS अकाउंट बाय योर चाइल्ड्स नेम फ्रॉम 18 सितंबर 2024। दोस्तों, 24-25 के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था, तो आप 18 सितंबर के बाद में कभी भी इस NPS वात्सल्य अकाउंट को अपने बेटे या बेटी के नाम से खोल सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? द स्कीम इज अवेलेबल फॉर माइनर चाइल्ड्रन जो 18 साल से कम होते हैं, एंड द अकाउंट कैन बी ओपन्ड बाय पेरेंट। दोस्तों, पेरेंट का होना बहुत जरूरी है, पेरेंट हो या गार्जियन हो, इन दोनों में से कोई भी हो, उन्हीं की ही KYC, उनके भी सारे डॉक्यूमेंट वहां पे आपको देने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं पार्शियल विड्रॉल। वैसे तो ये बाद में डिस्कस करने का टॉपिक था, लेकिन फिर भी After the account have been active for 3 years, अगर आपने दोस्तों, अगर आपका बेटा है 10 साल का, अब आपने वो 11 साल का हो गया, 12 का हो गया और 13 का हो गया, 3 साल तक आपने इस NPS वात्सल्य अकाउंट में पैसा डाला, अब आपको पार्शियल विड्रॉल कुछ पैसे की जरूरत पड़गी, तो सिर्फ आप यहाँ पे 25% पैसा ही निकाल सकते हैं, बाकी का जो 75% पैसा है वो आपको आपकी रिटायरमेंट पर जब आप मेजर हो जाएंगे। और ये भी कब निकाल सकते हैं? जब आपको अपनी हायर एजुकेशन के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, कोई भी ऐसी इमरजेंसी आप प्रूफ कर पाते हैं तब भी आपको ये पैसा मिलेगा, अदरवाइज ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसको आपको ध्यान में देना है। अब जो आपका पैसा लगता है दोस्तों, लाइक द ट्रेडिशनल NPS, जो पुराना NPS है या बड़ों के लिए NPS है, वात्सल्य रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट चॉइस करता है। जब भी आपका NPS के अंदर पैसा लगेगा तो वहां पर आपकी चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है कि आप पैसा इक्विटी में लगाना चाहते हैं, जो दोस्तों हायर रिटर्न तो देता ही देता है, लेकिन उसमें मार्केट का रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। इसके बाद में गवर्नमेंट्स के बॉन्ड होते हैं, जो इसके रिस्क कम होता है लेकिन उनकी जो रिटर्न्स होती है वो भी ज्यादा नहीं होती है। इसके बाद में कॉर्पोरेट का बॉन्ड होता है दोस्तों, कॉर्पोरेट डेट होता है जो कंपनीज वगैरह को उधार देते हैं, यहाँ पे रिटर्न और जो रिस्क है वो भी लगभग एवरेज सा होता है, ना ज्यादा होता है ना कम होता है। अब मिनिमम कंट्रीब्यूशन, अकाउंट ओपनिंग कंट्रीब्यूशन कम से कम आपको 1000 रुपए ओपन करने पड़ेंगे। कुछ जगह पर दोस्तों इन्हें 1.5 लाख रुपए बताया गया है, लेकिन कुछ जगह पर कहा गया है कि मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप पैसा जमा करा सकते हैं, और उसके बाद में आप 1000 रुपए के डिमोनेशन में आप यहाँ पे जमा करवा सकते हैं पर एनम, और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं बताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं, आपका बेटा 10 साल का था, आपने NPS वात्सल्य खुलवा लिया, अब आपका बेटा हो गया है 18 साल का, तो व्हेन चाइल्ड बिकम मेजर 18 साल से ज्यादा, ये अकाउंट विल गेट कन्वर्टेड इनटू रेगुलर NPS अकाउंट। आपको पता होगा जो पहले नॉर्मल NPS अकाउंट चलते थे उसकी तरह ही अकाउंट आपका कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको सारी की सारी बागडोर आपका बेटा या बेटी है वो इसमें अब संभाल सकता है। टैक्स के बेनिफिट दोस्तों, एज ऑफ नाउ अभी कोई भी टैक्स के बेनिफिट आपके, क्योंकि इसमें जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पेरेंट्स ही डालने वाले हैं, तो आपके पेरेंट्स को कोई भी डायरेक्ट टैक्स इन्वेस्टमेंट की छूट यहां पे नहीं मिल रही है। वैसे तो न्यू टैक्स रिजाइम में तो वैसे भी नहीं मिलती है, और ओल्ड टैक्स रिजाइम में भी नहीं देखने को मिलती है। PFRDA दोस्तों, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है हमारे भारत के अंदर। जैसे आपने सुना होगा RBI होती है, SEBI होती है, IREDA होती है, बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट एजेंसीज होती हैं जो हमारी इन चीजों को मैनेज करती हैं, तो ये जो NPS वात्सल्य है ये PFRDA के द्वारा मैनेज किया जाने वाला है। अब हु इज एलिजिबल टू NPS वात्सल्य? ऑल पेरेंट्स एंड गार्जियन, वेदर इंडियन सिटीजन हो आप, चाहे भारत में रह रहे हो, चाहे
RI हो, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन हो, या OCI होते हैं दोस्तों, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, आर एलिजिबल टू ओपन एन NPS वात्सल्य अकाउंट फॉर देयर माइनर चिल्ड्रन। ये अपने 18 साल से कम वाले बच्चों के लिए खोल सकते हैं। क्या बेनिफिट है दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था आपको इन्वेस्टमेंट के टाइप हाई रिटर्न ऑफ इक्विटी, अगर आप इक्विटी के अंदर यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करते हैं तो अच्छा तो रिटर्न आपको मिलता है, क्योंकि आपने पता होगा शेयर मार्केट बढ़ता ही जाता है, घटना नहीं। पिछले आप देख सकते हैं पिछले 2-3 सालों से कितना इन्होंने बूम किया है। अगर आप गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसा लगाते हैं तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलेगी, कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। अगर आपका बच्चा 5 साल का है और आपको 18 साल तक के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो 13 साल तक आपको ये पैसा रखना पड़ेगा, और उसके बाद में भी वैसे तो आगे तक लंबी चलती है स्कीम, लेकिन आपको पता होगा जब पैसा इन्वेस्ट किया अगले साल उस पर कुछ रिटर्न वगैरह मिला और उसके ऊपर जब आपको रिटर्न मिलता है तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, मतलब ब्याज के ऊपर भी आपको ब्याज दिया जा सकता है यहाँ पे। इसके बाद में प्रमोट सेविंग हैबिट इन चिल्ड्रन, बच्चों को पता लगेगा कि ये मेरी स्कीम है तो मुझे कुछ पैसा जमा करवाना है, बचाना है। NPS वात्सल्य अकाउंट कैन बी कन्वर्टेड टू NPS अकाउंट व्हेन द चाइल्ड रीच मेजॉरिटी, जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो ये नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ए ह्यूज अमाउंट विल बी एक्युमुलेटेड, एक बड़ा अमाउंट, एक अच्छा अमाउंट, एक कंसीडरेबल अमाउंट आपका इकट्ठा हो जाएगा एट द टाइम ऑफ चाइल्ड्स रिटायरमेंट। बच्चे का रिटायरमेंट कब होता है, कैसे होता है, वो तो देखो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं कहां पे आपको ये ओपन करना है अकाउंट। NPS वात्सल्य अकाउंट कैन बी ओपन थ्रू पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, मतलब आपको खुद जाकर के, विच इंक्लूड मेजर बैंक, जितने भी मोटे मोटे बैंक हैं इंडिया में, पोस्ट ऑफिस है, पेंशन फंड है, वहां पे आप खुलवा सकते हो। ऑनलाइन खुलवाना है दोस्तों, ENPS की इनकी वेबसाइट होती है, ऑनलाइन वहां पर भी जाकर के आप अकाउंट खुलवा सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, KYC गार्जियन की चाहिए हमें, जो इसके माता पिता होंगे उनका आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए बच्चे का, 10वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड अगर बना है तो, मतलब प्रूफ तो होना कि ये बच्चा माइनर है। NRE NRO बैंक अकाउंट चाहिए अगर आपके गार्जियन NRI है तो। इसके अलावा दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, NPS वात्सल्य अकाउंट के अंदर अगर आप 5,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करते हैं तो 12 महीने के अंदर, मतलब एक साल में 12 महीने हुए तो आप 60,000 रुपए एक साल के यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, और 18 साल तक ये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 10,80,000 रुपए हो जाता है। और अनुमानित रिटर्न, मतलब हम अभी हमें एस्टिमेटेड रिटर्न है, क्योंकि इसमें मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ ये इक्विटी में भी लगा सकते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी आप ऐसा लगा सकते हैं, अगर 10% का रिटर्न भी मिलता है तो दोस्तों 19,47,000 रुपए का अप्रोक्सीमेटली आपको रिटर्न मिलता है, तो टोटल आपके यहाँ पे 30,27,000 रुपये का पैसा आपको मिलने वाला है। और वहीं पर 60 साल के अंदर आपका जमा हो जाएगा 36,00,000 रुपये, और 10% की रिटर्न भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 60 साल के बाद में आपको 20,00,00,000 रुपये मिलने वाला है। अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर फिर से आते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको इन्फ्लेशन आता है उस टाइम, आज का 1,00,000 रुपये और 60 साल बाद 1,00,000 रुपये की कीमत क्या होगी वो तो आप लोग भी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक कंसिडरेबल अमाउंट उस टाइम आपको मिल जाएगा। रिटायरमेंट पर कितना अमाउंट मिलेगा मैंने आपको बताया, कॉर्पस फंड मिलेगा, आपका जो पैसा इकट्ठा होगा दोस्तों वो 20,00,00,000 रुपये इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन यहां पे आप इसका 60% ही निकाल सकते हैं और बाकी की आपको पेंशन मिलेगी, तो 60 इसका 12,00,000 तो आपको मil जाएगा, और एनुइटी प्लान के अंदर 8,00,00,000 रुपए आपको आपके जीवन काल के अंदर मिलता रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये NPS का ई जो टायर 1 स्कीम है, पिछले 5 सालों में बिरला ने 18.92, HDFC ने 19, इतनी रिटर्न इन्होंने ऑलरेडी दी है, तो आपको ऐसा नहीं है कि यहां पे रिटर्न नहीं मिलती है, ज्यादा मिलती है कम मिलती है, लेकिन अल्टीमेटली ये फाइनल डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पर, उनकी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। अब कुछ कॉन्स मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको बताया था 20,00,00,000 रुपये आपका इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब भी आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 60% ही उसका मिलेगा। विड्रॉल अलाउड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मतलब 40% पैसे की आपकी एनुइटी बनेगी और आपके हर महीने आपको मिलती रहेगी। अगर आपको पता है दोस्तों बेटर इन्वेस्टमेंट टूल, आपको पता होगा आप डायरेक्ट इक्विटी में लगाते हैं, आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, आप क्रिप्टो में लगाते हैं, कहीं पर और पैसा लगाते हैं और आपको ज़्यादा रिटर्न आ रही है, तो आप इस स्कीम के अंदर क्यों जाएंगे? अगर पेरेंट ऑलरेडी सेविंग कर रहे हैं, उन्होंने FDs वगैरह करा रखी है, सोना खरीद रखा है, प्रॉपर्टी खरीद रखी है बच्चे के नाम, तो इसको खरीदने का कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पर, ये सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के लिए। सपोज करो बच्चा 30 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, उसको कुछ ऐसी जरूरत पड़ गई, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तब आपका ये पैसा ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको बच्चे की मैरिज करनी है, उसको हायर एजुकेशन के लिए इमरजेंसी नहीं है, तो आपका पैसा ये काम नहीं आता है, ये सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के लिए है। तो अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, आपके बेटे को, आपके बच्चे को, आपकी बेटी को दोस्तों स्कूल के अंदर ही पढ़ा दिया जाए कि आपको इतना फाइनेंस आपका प्लान करना है, इतना पैसा आपका लगता है, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड भी बहुत सारे गाइड्स करें, 10वीं के अंदर 12वीं के अंदर ये सिलेबस का पार्ट हो जाए, तो बच्चा आने वाले टाइम में कहीं मार नहीं खाता है, उसको एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, उसको सैलरी में जाना है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। तो दोस्तों ये NPS वात्सल्य अच्छी स्कीम है या बुरी स्कीम है, सबसे पहले तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके पूछ
सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को सभी लोगों में शेयर करें जिनके घर में बच्चे हैं और जो 18 साल से कम हैं और जो NPS वात्सल्य की स्कीम का फायदा उठाने चाहते हैं। हालांकि अलग अलग बैंक की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, पोस्ट ऑफिस की या आप ENPS के अंदर जाते हैं तो वो आपको प्रॉपर फॉलो करनी है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।